जय, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मराठा काल का एमसीक्यू। इसमें हम टोटल 125 एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें आपके एग्जाम में यदि इस सेक्शन से यदि प्रश्न आया तो वो प्रश्न छूटने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। और ये वही प्रश्न है जो पिछले 10 सालों में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि उस क्वेश्चन को कितने बार पूछा गया है। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्लास है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण की थी। तो इसे कौन सा है वो अधिकारी, तो उनका नाम है मेजर एगेन्यू। मेजर एगेन्यू जो है जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी मराठा काल के समय, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण किया था एगेन्यू ने। और जो कैप्टन एडमंड थे, हमारे पहले अधीक्षक थे, साथ में जो क्रॉफर्ड थे वो हमारे लास्ट थे, ठीक है ये। और जो एगेन्यू थे वो दूसरे नंबर के अधिकारी बनकर आए थे छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया, तो किस वर्ष में हो गया। इसको ट्रिक से याद रखिएगा कि अप्पा साहब ने जो संधि किया था है ना, और रघुजी तृतीय R3 के अल्पवायु होने की वजह से अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया छत्तीसगढ़ में, वो कब हुआ था, तो वो 1818 को हुआ था, ठीक है। इसमें जो एडमंड थे है ना, वो मात्र कुछ महीने रहे, उसके बाद आ गए एगेन्यू है ना, उसके बाद एगेन्यू आ गए। और एगेन्यू महाराज ने 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो बाय ऑप्शन करना चाहेंगे तो 1858 हो नहीं सकता, ठीक है 25 हो नहीं सकता, ये हो जाएगा हमारा 18। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, वो है मेजर एगेन्यू, ठीक है। उनका नाम था मेजर एगेन्यू, ठीक है। नंबरिंग देखा जाए तो हमारा एडमंड पहले था। ये देखिए क्वेश्चन में आता है कि इनको लाइन से सजाइए है ना, तो एडमंड जो है पहले आए थे, ठीक है एडमंड पहले आए थे। एडमंड के बाद कौन आया था, तो हमारे एडमंड के बाद आया था मिस्टर एगेन्यू, तो ये सेकंड नंबर के हमारे अधीक्षक हो गए। उसके बाद कौन आया था, तो एगेन्यू के बाद आया था हमारा हंटर महोदय। हंटर का इसमें कहीं पे दिया नहीं है तो लिख लीजिए हंटर आया था, ठीक है। चौथे में कौन आया था, तो चौथे में आया था एडमंड सैंडिस, तो जो सैंडिस है वो चौथे नंबर पे आया था। पांचवें नंबर में आया था हमारे विल्किंसन महोदय, ठीक है पांचवें नंबर में, या फिर पांचवें बार आए थे विल्किंसन महोदय। और लास्ट में आए थे छठवा क्रॉफर्ड। इस प्रकार से 6 अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी अंग्रेज द्वारा छत्तीसगढ़ के शासन करने के लिए। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। सावंत भारती का विद्रोह हुआ था, ये सावंत भारती का विद्रोह क्या था, ये थोड़ा जो सावंत भारती था है ना, जो सावंत भारती था जो उग्र किस्म का व्यक्ति था है ना, ये उग्र किस्म का व्यक्ति था, तो ये किसके काल में ऐसा हुआ था। ये जो सावंत भारती का जो मामला है वो तो किसमें आया था, तो एगेन्यू होगा, विल्किंसन, सैंडिस या फिर क्रॉफर्ड। अब इसमें से बताना है कि इनमें से जो कौन है जो इनके कार्यकाल में ऐसे इस काम को किया गया था। तो सावंत भारती का जो मामला है, सावंत भारती का जो मामला है वो दूसरे नंबर के जो हमारे थे अधीक्षक, उनके कार्यकाल में हुआ था। दूसरे नंबर के अधीक्षक कौन थे हमारे, मिस्टर एगेन्यू है ना, इनके कार्यकाल में सावंत भारती का मामला सामने आया था। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबड़ी की लड़ाई कैसे समाप्त हो गई, कैसे समाप्त हो गई, इसमें क्या हुए। अंग्रेजों ने हार मान ली, बिल्कुल नहीं, अंग्रेज कभी हार नहीं मानते थे, वो गधे थे लोग, हमेशा दूसरों को हार मानवाते थे। मराठा हार मान गए, ये हमारा सही लग रहा है। आगे देखते हैं, रतनपुर में सभी मराठा मांग स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों ने इससे बाहर निकाल दिए, तो ये भी गलत है, उस समय तो अंग्रेज रतनपुर तक आए ही नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। लड़ाई अनिर्णायक रही, ये भी गलत है क्योंकि मराठा हार मान लिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, सीताबड़ी का जो युद्ध है वो कब हुआ था, सीताबड़ी का जो युद्ध है वो
कब हुआ था? तो ये हुआ था, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं देखा 1817 में हुआ था। किस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में दो आदिवासी विद्रोह हुए? राजनांदगांव, राजनांदगांव में आदिवासी विद्रोह नहीं देखा गया है। बस्तर, कांकेर, कवर्धा। कवर्धा में भी कोई भी विद्रोह नहीं देखा गया है। बचा हमारा कांकेर और बस्तर, तो लगभग कांकेर में भी कोई विद्रोह नहीं देखा गया है। इस प्रकार यदि हम बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहें तो वो बस्तर होगा। बस्तर में दो विद्रोह हुए थे। जो विद्रोह हुए थे उसको हम डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना आदिवासी विद्रोह का, उसका कारण से तो हम उस पर जवाब देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि ये बस्तर में विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? तो ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेज अधीक्षक और उसके बीच क्या घटनाएं हुई थी, ये हमको बताना है। तो कैप्टन एडमंड के समय क्या हुआ था? तो कैप्टन एडमंड के समय डोंगरगढ़ की जो जमींदारी है वो विद्रोह सामने आया था एडमंड के समय। ठीक है, तो एक का चार हो जाएगा, एक का चार। ऑप्शन में देखिए एक का चार कहाँ पे, एक का एक यहाँ पे है तो ये गलत हो जाएगा। एक का एक तीन ये गलत है, ठीक है, और एक का दो यहाँ पे है ये भी गलत हो गया। तो डी हमारा एक का चार दिख रहा है। तो बाय ऑप्शन अगर सॉल्व करना चाहें, यदि आपको अच्छे से पता है ना, अच्छे से पता है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने मात्र ऑप्शन ए के अनुसार इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं तो हमको पता है कि क्रॉफर्ड मॉडल लास्ट वाले थे, छठवें नंबर के, है ना। और इसमें देखिए रतनपुर से राजधानी छत्तीसगढ़ के प्रशासन मराठों को हस्तांतरण करना, और हस्तांतरण वही करेगा जो लास्ट अधीक्षक होगा, लास्ट अधिकारी होगा, वही किसी दूसरे को चार्ज सौंपता है। ठीक है, तो मिस्टर जो क्रॉफर्ड का हो जाएगा तीन। अब देखिए बी का तीन कहाँ कहाँ पे, बी का तीन यहाँ नहीं है, पहले वाले में ये भी गया, दूसरे वाले में नहीं है ये भी गया, तीसरे वाले में भी, सॉरी बी का, सॉरी डी का, सॉरी सॉरी डी का तीन देखना है ना, तो फिर भी ठीक है। डी डी का यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी गया, उसके हिसाब से ये भी सही हो गया। ठीक है, यदि आपको एक पता है ना तो आप बाकी का भी आंसर निकाल सकते हैं, तो डी का हमने निकाल दिया। अब देखते हैं सैंडिस के समय क्या हुआ था। तो सैंडिस के समय बस्तर और करौद रियासत का विवाद हुआ था। सैंडिस के समय बस्तर और करौद का भी विवाद हुआ था। ठीक है, लास्ट अब हम देखेंगे बी, तो बी तय का दो। मिस्टर एगेन्यू के समय रतनपुर राजधानी का स्थानांतरण कर दिया गया था। यदि आप केवल बी के अनुसार चलते तो बी का दो होना चाहिए, बी का चार है ये भी गलत, बी का एक है ये भी गलत, बी का तीन है यहाँ भी, और बी का दो है ये सही। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक साइड अधीक्षक दिया गया है, दूसरी साइड उसकी घटनाक्रम दे दिया गया है। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें ऑप्शन देना नहीं दिया हूँ, आपको ऐसे मिला लेना पड़ेगा। तो एगेन्यू के समय क्या हुआ था? राजधानी चेंज हुआ था क्या? तो रतनपुर से राजधानी चेंज कर लीजिए। एडमंड के समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ का कुछ जमींदारी का मामला था, तो एडमंड को दे दीजिए। क्रॉफर्ड के समय क्या हुआ था? ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, इन्होंने मराठे को चार्ज दे दिया गया। सैंडिस के समय क्या हुआ? बस्तर और करौद का विवाद निपटाया सैंडिस ने। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के ब्रिटिश अधीक्षक उनके कार्य सुमेलित करती है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा फिरा के। ठीक है, एडमंड के समय क्या हुआ था? एडमंड के समय भी हमने देखा क्या हुआ। एगेन्यू के समय क्या हुआ? तो एगेन्यू के समय हमारे सावंत भारती का मामला था, अभी हमने देखा था। ठीक है, एगेन्यू के समय सावंत भारती का मामला था। उसके बाद क्या आता है? तो इसमें ना सुमेलित बोला ना, हम सही सुमेलित नहीं करना है, जो सही है वो बताना है ना। तो एडमंड को सावंत भारती नहीं था, ये तो एगेन्यू था, ये सम्मिलित नहीं है। पी एगेन्यू के समय तहसीलदारी बस, ये गलत है। सैंडिस के समय बस्तर और करौद विवाद हुआ था, ये सही है ना, कुछ सही मिला, इसमें सही जोड़ी नहीं मिला था, जो सही है सामने वाला वो बताना था सामने के। फिर से दिया गया है उसके अधीक्षक दिया गया है और उसके कार्य दे दिया गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब आपको सही जोड़ी मिलाना है। एगेन्यू के समय क्या हुआ था? तो राजधानी स्थानांतरित हो गया था, तो एगेन्यू को ये दे दीजिए। जो याद रहता है उसको पहले बनाते जाइएगा, आराम से बनते जाएगा। एडमंड के समय डोंगरगढ़ का कुछ काम हुआ था। सैंडिस के समय क्या हुआ था? बस्तर करौद वाला। और क्रॉफर्ड के समय भोसला को सत्ता हस्तांतरण। देखिए कई बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। निम्नलिखित कथन को पढ़कर बताइए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना होता था। इसमें आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, ये गलत बात है भाई। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का विलय नहीं हुआ था, जबकि उस समय आर्थरी जो रघुजी तृतीय थे उसके बाद से ब्रिटिश संरक्षण मिला है ना, मतलब मराठा काल के समय हुआ है, ये तो गलत हो गया। तो एक जहां जहां उसको उड़ा दीजिए, क्योंकि एक गलत है तो जहां जहां एक होगा वो गलत होगा। इस ए में एक है गलत, इस बी में भी एक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दो सही है या तीन सही, इसका कोई लेना नहीं है। ए है ना, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बचा के हमारे पास दो और तीन, ई में भी एक है तो ये गलत हो गया, बचा हमारे पास दो और तीन, ये वाला ऑप्शन सही है। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासक का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी क्रॉफर्ड था, लास्ट वाला, ठीक है। ये हमने लंबा देख लिया था ना। सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले आपका था एडमंड, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, है ना। सेकंड नंबर में था आपका एगेन्यू। तीसरे नंबर में आपका कौन था? तो तीसरे नंबर में था आपका हंटर। चौथे नंबर में कौन था? तो चौथे नंबर में आपके मेरे ख्याल से विल्किंसन सैंडिस महोदय थे। तो चौथे नंबर में कौन थे? सैंडिस, यहाँ पर नाम लिखा है क्या, ये देखिए सैंडिस है, ठीक है। क्रॉफर्ड छठवें नंबर के थे, हंटर जो है हमारे तीसरे नंबर के थे, हैबिट करके का कोई था ही नहीं, हैबिट करके कोई था ही नहीं। तो ये इस प्रकार आपको बनाना था। पूछा क्या गया है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो वो था हमारा कैप्टन क्रॉफर्ड। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ की जमींदारों के लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? जाने वाले कर को उस समय जो टैक्स था उसका क्या नाम था, ये इनका पूछना है। तो इस समय उसका नाम क्या था? ओवरी, सेवाई, मालगुजारी या टकोली। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा हमारा इसमें? तो उसको कहा कहा जाता था, उसको कहा जाता था टकोली, ठीक है। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र में कब जिला कहा जाता है और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? ये कब का बात है? जब ये पुनः भोसला शासन आ गया था उसके बाद से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिस समय आरथी रघुजी तृतीय द्वारा छत्तीसगढ़ का शासन नागपुर के माध्यम से कराया जा रहा था, सॉरी नागपुर में रहकर जिलेदार मतलब कलेक्टर के माध्यम से, आज का कलेक्टर पर उस समय का जिलेदार। तो उस समय पूरा जिला, पूरा छत्तीसगढ़ को जिला माना जाता था, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कब जिला कहा गया और प्रशासकों को जिलेदार कहा गया? ये कब से कब हुआ था? 1830 से 1854, 1830 है ना, 1830 तो वो अंग्रेज जमाना वाला काल था, तो ये तो गया। 17 वाला बात तो आ ही नहीं सकता है ना, 82 वाला भी आ ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? ए ऑप्शन, तो ए हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें देख लीजिए, बातें क्या होगा इसमें, तो मुख्यालय क्या थी जिलेदारों का? देखिए अब रतनपुर हट गया है ना, अब इसका जो मुख्यालय है वो आपका बढ़ गया रायपुर, ठीक है। मुख्यालय जो है आपका रायपुर बन गया। इसके नियुक्ति कौन करते थे? तो जिलेदार की नियुक्ति करने का अधिकार था हमारे आर्थरी के पास, इसको बोलते हैं रघुजी तृतीय। इसकी कालावधि कितनी थी रघुजी तृतीय का? तो 1830 से 1854 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ का शासन अपने हाथ में ले गया। कुल 8 तहसीलदारों, सॉरी 8 जिलादारों की नियुक्ति की गई इनके द्वारा। पहला था अपना कृष्णा राव, कृष्णा राव, ठीक है। दूसरे नंबर के थे अमृत राव, दूसरे नंबर के थे अमृत राव। तीसरे नंबर के थे सदुद्दीन, ठीक है, सदुद्दीन थे तीसरे। चौथे नंबर में थे हमारे दुर्गा प्रसाद, क्या नाम था इनका? दुर्गा प्रसाद चौथे नंबर पर। और पांचवें नंबर के हमारे कलेक्टर थे इंदुक राव, ये नाम याद रखिएगा है ना, आपको आवश्यक पड़ेगा, इंदुक राव, इंदुक राव थे। छठे नंबर पर कौन थे? तो छठे नंबर पर सखाराम बापू, सखाराम बापू, ठीक है। छठे नंबर पर कौन थे? तो छठे नंबर तो हो गया। सातवें नंबर पर कौन थे? तो गोविंद अप्पा, गोविंद मैं सार पर लिख रहा हूँ। और आठवें नंबर पर थे हमारे गोपाल। तो इन कलेक्टरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का प्रशासन स्टार्ट किया गया, किनके द्वारा? आर्थरी के द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार अभी हमने देखा था कृष्णा राव, ठीक है।
गोपाल राव कौन थे? तो गोपाल राव हमारे लास्ट थे, 8वें नंबर वाला। कृष्ण राव आपका 1 नंबर था, गोविंद राव का जो नंबर था वो 7वें नंबर का था, ठीक है, और अमृत जी थे वो दूसरे नंबर पर थे। तो पहला पूछा गया है, पहला वाला तो अमृत राव और कृष्णाराप्पा हो गया। छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार कौन थे? तो अंतिम थे गोपाल राव, ये हमने देखा ना। तो गोपाल राव किसमें नाम है? ये गोपाल राव, ये अंतिम थे। कृष्णा तो पहला था, गोविंद तो 7वां था, और अमृत जो है 2nd नंबर था। छत्तीसगढ़ के जिलेधारे की नियुक्ति करता कौन थे? रघुजी द्वितीय के द्वारा। रघुजी द्वितीय मर चुके थे, अप्पा साहब निपट जे गए थे, और रघुजी प्रथम भी निपट गए थे। छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो जब रघुजी द्वितीय मरे तो 1854 में इसका अंत हो गया। कब से कब तक चला? तो 1830 से ना, 1830 से 1854 तक ये चला था। रघुजी द्वितीय के शासनकाल में 1830 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? धमधा के गोड़, बरगढ़ विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मुरिया या फिर मुड़िया विद्रोह। ये कब का हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, तो धमधा वाला विद्रोह हुआ था, बड़गर वाला विद्रोह हुआ था, और तारापुर वाला विद्रोह हुआ था ना। मुड़िया विद्रोह इस समय नहीं हुआ था, ठीक है। मुड़िया विद्रोह का टाइमिंग है आपके 3 तीनों विद्रोह के समय हुआ था। छत्तीसगढ़ के मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे, धमधा, कवर्धा, बरगढ़, तारापुर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे, तो किस स्थान में विद्रोह हुए थे? धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था, कवर्धा में नहीं हुआ था। तो जहां 3 लिखे उसको उड़ा दीजिए, ये 3 है, ये 3 है, ऑप्शन बचा हमारे पास सी 1, 2, 4। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? जस्ट अंग्रेजों के पहले तो मराठा वाले। इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 2014 का, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल कर दिया गया? तो ब्रिटिश शामिल में कब शामिल कर लिया गया था? 1854, 59, 1878, 1857, ये होना चाहिए आपका 1854 में, ठीक है। 1854 में रघुजी के मृत्यु के बाद, ठीक है, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जो मराठा शासन के अधीन थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। खालिस्तान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, कमिश्नरशिप है ना। तो 1812 में, 18 में, 54 में, या फिर 90, तो ये हो गया हमारा 1854 में, ठीक है। क्यों? 1812 तो अलग काल है, ये भी अलग काल है, इसमें उनको सौंप दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत के व्याख्या की के तहत रघुजी तृतीय के मृत्यु के बाद नागपुर को कब्जे में ले लिया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और या फिर हड़प नीति, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर नियुक्त, देखिए अधीक्षक अलग था और कमिश्नर अलग था। अधीक्षक की नियुक्ति कब की गई थी? तो वो था आपका 1818 से 1830 तक है ना, जबकि कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो 1854 के बाद से हुआ है ना। 1854 के बाद ये कमिश्नर लोग आके बैठना शुरू हो गए। सबसे पहले हमारे कौन थे? एगेन्यू, एगेन्यू हो नहीं सकता, वो अधीक्षक था। विल्किंसन हो नहीं सकता, ये भी अधीक्षक था। क्राफर्ड भी अधीक्षक था। बचा हमारे पास ऑप्शन में चार्ल्स इलियट। जो चार्ल्स इलियट थे वो हमारे प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनकर आए थे। छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा प्रशासन के का प्रशासन संभाला? उपायुक्त कौन थे? तो इस समय उपायुक्त थे हमारे चार्ल्स सी इलियट, अभी जो हमने ऑप्शन में देखा पुराने क्वेश्चन में।
सन 1885 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? 1855 सॉरी 55 में, तो ये हमारे थे इलियट महोदय, चार्ल्स इलियट। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? मालगुजारी, तालुकेदारी, ताबूतदारी और तहसीलदारी व्यवस्था। उस समय क्या लाया गया था? तहसीलदारी व्यवस्था लाया गया था ना, तहसीलदारी व्यवस्था लाया गया था। ब्रिटिश शासन ने कमिश्नरी के प्रशासन के लिए तहसीलदार बनाया गया है ना, पहले क्या कमिश्नर बनाए गए थे ना, कमिश्नर। इन कमिश्नर के सहायक के लिए क्या बनाया गया? तहसीलदार बनाया गया। कमिश्नर के सहायक के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। और उस समय 1854 में तीन तहसील बनाए थे, तो पहला तहसील था आपका रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ को तीन तहसील में बांट दिया, रायपुर, धमतरी, और अगला था आपका रतनपुर। ये तीन तहसील अंग्रेजों के समय बनाई गई थी और यहाँ पे तीन तहसीलदार बैठा दिए गए चार्ल्स सी इलियट के मदद के लिए। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? एगेन्यू, जेनकिस, एडमंड और इलियट। तो इसमें आ जाएगा इलियट ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदारी को करद राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसमें से सही कौन से है? हमारे एक और दो ही सही है, बाकी ये करद राज्य वाले गलत है। जो तीन नंबर है ना ये गलत है, तो तीन जहां भी उसको उड़ा दो, यहाँ पे तीन है उड़ा दो, इसको उड़ा दो और ये उड़ा दो, तो आपके पास ए और बी बच गया। अब यदि आपको दो नंबर पता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कमीशन नियुक्त हुए थे, तो ये सही हो जाए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था? तो ये कमिश्नरी घोषित किया गया था 1862 को। कब किया गया? 1862 में। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित में से जिले सम्मिलित थे। स्टार्टिंग में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे छत्तीसगढ़ में? तो स्टार्टिंग में हमारे पास जिले सम्मिलित थे, उनका नाम है रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये हमारे जिले के नाम हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस वर्ष आपराधिक जनजातियां अधिनियम पारित किया गया, तो ये है हमारे अंतर 1871 में, 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1854-61 तक छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई के लिए उसका अधिकार सुमेलित है? दीवानी, फौजदारी, पुलिस, पोस्टमास्टर। और पोस्टमास्टर कौन थे? तो पोस्टमास्टर थे हमारे स्मिथ, सुमेलित है। उस समय हमारे पोस्टमास्टर कौन थे? तो पोस्टमास्टर थे हमारे लेफ्टन स्मिथ। तो यही बस हमारा सुमेलित है, बाकी सब गलत है। उस समय डाक चलता था जिसमें रानी विक्टोरिया का, ठीक है, रानी विक्टोरिया का फोटो अंकित रहता था डाक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित कर दिया गया? तो ये 1854 में सम्मिलित कर दिया गया। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया? तो इसमें से किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया? इसमें से सिहावा, लोरमी, खल्लारी, संजारी, ये आपको ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो 1854 के पश्चात ना, तो 54 के पश्चात मतलब इलियट ने बनाया होगा, तो इलियट ने बनाया आपका संजारी बनाया, ठीक है। संजारी के बाद खल्लारी बनाया, खल्लारी बनने के बाद उन्हें सिहावा बनाया, लोरमी उन्होंने नहीं बनाया था, लोरमी आपके सैंडिस के कार्यकाल में बना था ना, लोरमी जो है सैंडिस के कार्यकाल में बना था। तो जहां दो है उसको उड़ा दो, तो दो कहाँ कहाँ है? दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बचा हमारा डी,
1 3 4 यही हमारा ऑप्शन है। तो कौन कौन से जब तारीख कब कब बनाया गया था ये एक बार देख लेते हैं। तो सैंडिस के अनुसार कब कब बनाया गया था, तो सैंडिस ने लोरमी और तरेंगा को बनाया था, लोरमी और तरेंगा को बनाया था। अगला कौन बनाया, तो अगला मराठा काल में बना था, ठीक है। मराठा काल में आपके दो बने थे, सिरपुर और लवन, ठीक है, सिरपुर और लवन। और 400 CE इलियट के समय क्या बनाया था, तो इलियट के समय बना था आपका संजारी, खल्लारी और सिहावा। इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए, तो ये हुआ था आपका 1855 में, 54 में नहीं, 1855 में ये स्टार्ट किया गया। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो भू राजस्व के मालगुजारी बंदोबस्त किया, ये भी सही है। न्याय व्यवस्था किया, ये भी सही है। नई पुलिस व्यवस्था लाया, ये भी सही है। जेल प्रशासन लाया, ये भी सही है। कृषि के लिए व्यापक उपाय, तो ये गलत है, कृषि के लिए कोई भी व्यापक उपाय नहीं किया गया था। यूरोप यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ के किस कार्यकाल में आए थे, किस समय में आए थे ब्लंट हमारे, तो ब्लंट आए थे 1795 में आए थे ब्लंट। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ के बरकंदाज किसे कहा जाता था, तो बरकंदाज कहा जाता है सिपाही, सिपाही के लिए यूज होता था बरकंदार। विलय के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए, दीवानी एवं फौजदारी, प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक, रायपुर में केंद्रीय जेल और रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर को पदस्थापना। तो इसमें से 1 2 3 4 सभी सही है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन ई। इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोल किच लोर जो है किस सन में आए थे, तो फादर लोल जो है 1868 में आए थे, ठीक है। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, सरगुजा जो है 1905 में शामिल हुआ था। 47 में, सन 1947 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख परगनों एवं जमींदारियों की संख्या कितनी थी, तो 9 परगने थे और 27 जमींदारियां थी। तो इस प्रकार से मराठा काल के जितने भी MCQs थे, 125 MCQ हमने कर लिए हैं। पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, कि क्वेश्चन यहीं ना कहीं से आने वाला है प्रश्न में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।